इस प्लांट के साथ अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, स्प्रिंग ने दस्तक दे दी है, कहीं कहीं ये ग्रो करने लगा है, तो उसको मैं ट्रिम कर रहा हूँ जिससे ये सही तरीके से ग्रो कर सके, सही तरीके से माने ये मल्टीप्लाई कर सके दोस्तों, क्योंकि जितना ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा उतनी ज़्यादा ब्रांचिंग हमें प्राप्त होगी दोस्तों। कार्मोना का प्लांट है दोस्तों, कई बार इस प्लांट का पे हम वर्क कर चुके हैं, अभी कुछ दिन पहले ही हमने वर्क भी किया था, तो स्टाइल चेंज होती रहती है, वायर बाइट्स भी हुआ है, बाद में देखेंगे, पहले उसको स्टाइल करना है। ये थोड़ा लंबा प्लांट था तो मैंने स्टाइल चेंज की थी, अब उस वक्त जो हो सकता था मैंने किया था, आज जो हो सकता है वो हम करेंगे। तो इस तरह अलग स्टाइल वाला प्लांट हो तो इस तरह का ग्रोथ नहीं चाहिए, वरना बांध के भी रखा है तो इस तरह बांध के रखा है वहाँ वायर बाइट आ ही जाता है, तो ये हमें निकाल देना है यहाँ से और फिर से उसको कुछ से बेंडिंग की संभावनाएं तलाशनी है, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ब्रिटल प्लांट है, तो यहाँ से भी हम उसको अलग करेंगे, तो इसको कहाँ से कितना बेंड कर सकते हैं उसकी संभावना देखनी होगी हमें, उसको हम कॉम्प्रेस करेंगे, यहाँ से खींच के बांधना है। इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स भी होती है, बट हम तो ऐसे ही जुगाड़ से काम चलाते हैं, दोनों हाथों से काम में लेना है, जरा भी कुछ भी फील हुआ क्रैक होने का तो फिर रुक जाना होता है, पूरा जुगाड़ू तरीके से ही मैं करता हूँ, तो कुछ ही दिनों में हमें उसको चेक भी करना होगा, अगर यहाँ प्रेशर दिखाई दे तो फिर हमें उस वायर को फिर से हटाना भी पड़ेगा। अब ठीक है, तो यहाँ हम कुछ प्लास्टिक रख के भी बांध सकते थे, पर कुछ दिन ये हीलिंग हो जाने के बाद ये ऐसे ही रहेगा तो फिर से खींच के बांधना है, हफ्ते 15 दिन के बाद। तो इस तरह खींचने के बाद प्लांट स्टेबल होता है, फिर से हम खींच के बांधेंगे उसको, तो इस तरीके से हमें कुछ न कुछ करते रहना है और बार बार उसकी बेंडिंग की संभावनाएं तलाशनी है। ये फाइनल पोजीशन नहीं है और बाद में उसके साथ बेंडिंग किया जाएगा, धीरे धीरे हम उसको जितना हो सके उतना कॉम्प्रेस करते रहेंगे और उसकी स्टाइल बदलती रहेगी। ये टॉप पोर्शन को भी मैं झुका रहा हूँ, अभी फाइनल डिजाइन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, जो ब्रांचें अवेलेबल है उसको हम ट्रिमिंग वगैरह करते रहेंगे। तो मैं बांध लेता, अभी कुछ स्टाइल जैसा कुछ नजर नहीं आएगा, अभी यहाँ हमें रुक जाना है, अब और क्या कर सकता हूँ मैं देखते हैं। वायर तो निकाल लूंगा बाद में, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट अब क्या करना है, इस तरह का जो बचे हुए स्टेम है पिछली बार के वो सब निकाल देने होते हैं, और ब्रांचे लंबी हो तो उसको निकाल भी चुके हैं और ज्यादा भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो हर सीजन में वर्क होता ही होता है और हम यहाँ हर सीजन में वर्क करने की कोशिश करते हैं, प्लांट वही होते हैं, काम का अंदाज बदल जाता है, तो आप भी अपने प्लांट को इस तरह स्टाइल वगैरह कर सकते हैं, ट्रिमिंग ना ही करें तो बेहतर है, अभी कुछ दिन रुक जाना है, कहीं कहीं अगर गर्मी बढ़ गई है
तो फिर उस वर्क कर सकते हैं, ट्रिमिंग वगैरह। नहीं तो अगर सुबह में आपको गर्म कपड़े ना पहनना पड़े, ऐसा हो जाए टेम्परेचर, तो फिर आप रिपोर्टिंग वगैरह पे ध्यान दे सकते हैं। पर इस वक्त आप रिपोर्टिंग भले नहीं कर सकते, पर रिपोर्टिंग के लिए आप सोइल प्रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। सोइल जुटाना होता है, थोड़ा मुश्किल होता है सिटी एरिया में, मुझे अब मुश्किल हो रही है, फिर भी मैं जुटा लिया है कुछ मिट्टी वगैरह, जो कुछ भी नहीं है उसका भी प्रबंध मैं कर लूँगा हफ्ते 15 दिनों में, फिर हम करेंगे रिपोर्टिंग वगैरह। तो ये स्टाइल तो अभी फाइनल नहीं है, पर अभी क्या कवर कर सकते हैं वो हमने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ प्रेमना भी लगा हुआ है, उसको भी मैं इस तरह जो है उसको निकाल देता हूँ और वायरिंग कर दूंगा मैं उसमें। चलिए मिलते हैं, ऐसे ही बने रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।